हरे कृष्णा। गिरिराज रसोई, हेल्थ भी और टेस्ट भी। मैं रेखा मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क से बर्फी बनाएंगे, और ये एकदम कम सामान से, सिंपल से, जल्दी से बन जाए। कोई त्योहार है या कोई आ रहा है तो हमें किसी को खिलानी है, तो ये फटाफट बनने वाली बर्फी है। चलिए गिरिराज रसोई में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, झटपट कोकोनट बर्फी बनाने के लिए बहुत कम सामग्री की ज़रूरत है। हाफ कप चीनी, 1 कप ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ड्राई कोकोनट पाउडर, और 1½ कप मिल्क है, ये रूम टेम्परेचर का है। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया है सजाने के लिए, और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और ये ऑप्शनल है। कोकोनट का टेस्ट ऐसे ही इतना अच्छा लगता है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और ये बस एक प्लेट को ब्रशिंग करेंगे, तो 2 ड्रॉप मैं इसमें से घी लेके ब्रश कर दूंगी और इसमें हम जमाएंगे। बस चलिए जल्दी से गैस पे चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप कैसी भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टिक ही रहे। और इसमें मैं ये डाल रही हूँ, 1 कप ड्राई कोकोनट पाउडर है, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही, बहुत तेज पे नहीं, लाइट ब्राउन होने तक इसे सेकते रहेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है, वाइट से लाइट ब्राउन हो गया है, और इतना करने में मुझे 10 से 12 मिनट लग गए। फ्रेंड्स, जल्दबाजी मत करिएगा, ये जब ऐसे सीख जाती है ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बस अब इसमें हम ये रूम टेम्परेचर वाला दूध डाल देंगे। जो 1.5 कप है, अब इसको भी मीडियम से स्लो गैस पर ही हम चलाते जाएंगे, जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। देखिए एकदम ड्राई हो गया, जरा भी दूध नहीं है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी एक बार पानी छोड़ेगी, लेकिन फिर वापस ड्राई हो जाएगा। ये देखिए मुझे 10-12 मिनट हो गए हैं करते हुए। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ, और उधर मैं वो प्लेट को घी से ग्रीस कर ले रही हूँ। मैं गैस बंद कर रही हूँ, ये हो गया है, और अब मैं इसको प्लेट में पलट लूंगी, इसको निकाल लेंगे। प्लेट पे ले लिया है, अब हमें जैसे शेप देनी है। इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर, ऐसे जैसा भी शेप दे दीजिए। अभी बहुत गर्म है, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तब हम इसे कटिंग करेंगे। गरम गरम में ही मैं थोड़ा पिस्ते से इसे गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए अब इसको 10 मिनट ठंडा होने देंगे, फिर मैं इसको कटिंग करूंगी पीसीज में। ये देखिए अब ये नॉर्मल टेम्परेचर का हो गया है, अब आपको जिस साइज की कट करनी है कट कर सकते हैं। ये तैयार है, और हाँ मैंने इसमें 1/2 कप चीनी डाली, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम मीठा खाते हैं, लेकिन आप इसमें अगर अच्छा मीठा खाते हैं तो 3/4 कप भी चीनी डाल सकते हैं। तो 1/2 कप से 3/4 कप तक चीनी इसमें डाल सकते हैं। है ना कितनी सरल, फटाफट बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी। इसको सेकने में, ड्राई करने में टाइम लगता है,
लेकिन ये बनती बहुत आसानी से है, फटफट आप आधा घंटे में इसे बना के तैयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप भी इसे बनाइए और मुझे लिख के बताइए कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक और रेसिपी के साथ। हरे कृष्णा।